फ्रेंड्स, मैं नम्रता और आज की वीडियो है हमारी अशोर की, ये हेयर ऑयल की। तो फ्रेंड्स, इस हेयर ऑयल को सही तरीके से अगर आप यूज़ करें तो एक अच्छा बेनिफिट आप ले सकते हैं अपने हेयर के लिए। बहुत सारी हेयर की प्रॉब्लम आपकी दूर हो सकती है। तो कैसे इसे सही तरीके से आपको यूज़ करना है, वही मैं आपके साथ आज वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं नम्रता और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल का। कैसे सही तरीके से हम यूज़ करें जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कई लोगों का कहना होता है कि हेयर ऑयलिंग के बाद हमारे हेयर जो है बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। सबसे पहली बात इसमें यह है, आपको गंदे बालों पे ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना है, यानी कि ऑयलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप वीक में सिर्फ एक बार हेयर वॉश करते हैं और आपके बाल 5 से 6 दिन हो गए आपने वॉश नहीं किए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो उस टाइम आपको हेयर ऑयलिंग नहीं करनी, क्योंकि ऐसे में आपको आपके हेयर फॉल जो है वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपके स्कैल्प गंदा है तो उसमें ऑलरेडी धूल मिट्टी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, स्वेटिंग वगैरह होती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। और उस टाइम अगर आपने फिर से ऑयलिंग की तो उस टाइम हेयर फॉल और ज़्यादा होगा आपका। तो गंदे वालों में आपको बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करनी है। ऐसे में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको 5 से 6 दिन हो गया है, आपने हेयर पे शैम्पू नहीं किया है, तो आपको अगर हेयर वॉश करना ही है तो आप अपने स्कैल्प पे ऑयलिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी आपके बालों की लेंथ है, अपना यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है अपने बालों की, वहीं पे आप ऑयलिंग कीजिएगा एंड शैम्पू कर लीजिएगा। अगली बात यह है फ्रेंड्स कि आपको वीक में 2 बार जरूर अपने हेयर पे शैम्पू हेयर वॉश करना चाहिए, क्योंकि हेयर बहुत ज़्यादा गंदे होने की वजह से भी हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। कि ज़्यादातर टाइम तक अगर हम शैम्पू नहीं करते तो हमारे स्कैल्प बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, धूल मिट्टी पोल्यूशन की वजह से स्कैल्प गंदी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो इस वजह से भी हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि वीक में 2 बार कम से कम आप ज़रूर हेयर वॉश कीजिए। जानते हैं कि कैसे आपको हेयर ऑयल करना है। इस तरह से बॉयल पे आप हेयर ऑयल को निकाल लीजिए फ्रेंड्स। और सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल्प में अपने पूरे स्केल्प में आपको अच्छी तरह से इस ऑयल को लगाना है, यानी कि आपको पहले मसाज नहीं करनी है, पहले ऑयलिंग अच्छी तरह से आपको अपने स्केल्प पे कर लेनी है। चाहे तो आप कॉटन से भी अच्छी तरह से लगा सकते। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पहले आपको पूरे स्केल्प में आपके ऑयल लगा लेना है। तो ऑयलिंग हो गई है तो ऑयलिंग के बाद में आपको क्या करना है, ऑयलिंग के बाद आपको अब करना है सर्कुलर मोशन में मसाज, कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जब आप सर्कुलर मोशन में मसाज करते हैं तो आपकी स्कैल्प में जो हम ऑयल लगाते हैं वो आपके स्कैल्प के अंदर तक जाता है, यानी कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारे स्कैल्प में, उसमें जाता है ऑयल। तो हमें एक अच्छा ऑयल फिर से हाथों तक में लेना है और उसके बाद इस तरह से सर्कुलर मसाज करनी है। मसाज आपको बहुत ज़्यादा जोर जोर से रगड़ कर नहीं करनी है, बहुत ही हल्के हाथों से करनी है और इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। तो फ्रेंड्स अब जो थर्ड स्टेप है हमारा, उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों के इन फिंगर्स से जो है इस तरह से आपको पॉइंट देना है अपने स्कैल्प पे। इससे क्या होगा, आपके स्कैल्प पे जो है ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा और आपके हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल होंगे। तो इस तरह से पॉइंट देना है। अगले स्टेप में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से आपको सर्कुलर मसाज करनी है, मतलब कि आपको सिर्फ इस 2 मिनट के लिए करना है। इस तरह से आपको मसाज करनी है और वहीं पे आपको इस तरह से पॉइंट देना है। पांचवा स्टेप जो है आपको क्या करना है, मैं आपको पांचवे में बता रही हूँ, बट आपको जब जैसे स्टार्ट करेंगे आप ऑयलिंग करने उसी टाइम आपको करना है। क्या करना है, आपको सबसे पहले जो बालों की लेंथ होती है हमारी, है ना, वहाँ पे आपको ऑयलिंग करनी है। ठीक है, पहले आपको स्कैल्प पे ऑयलिंग नहीं करनी है, आपको पहले लेंथ पे ऑयलिंग कर लेनी है, उसके बाद में स्कैल्प पे ऑयलिंग स्टार्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब हम सबसे पहले अपने स्कैल्प पे हेयर ऑयलिंग करते हैं, अपने लेंथ पे हम हेयर ऑयल लगाते हैं, उस टाइम क्या होता है, हमारे स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑयलिंग के बाद में जब हम लेंथ पे लगाते हैं, तो इस तरह से जब आप ऑयलिंग लगाते होंगे तो आप ध्यान दिया होगा कि आपके जो हेयर है वो यहाँ से जो है वो खिंचाव होता है उससे, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। फिर उस टाइम लगता है कि बहुत सारे लोगों को कि हमें हेयर ऑयलिंग के टाइम में जो है हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये स्टेप आपको पहले से करना है, मैं भी ऐसी करती हूँ। पहले आपको अपने लेंथ पे जो है अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेनी है, अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है लेंथ पे, उसके बाद में ही आपको हेयर ऑयलिंग जो है स्कैल्प पे स्टार्ट करनी है। एंड छठवीं बात जो ये है वो कि अगर आपके हेयर जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है, रफ हेयर है आपके,
और बहुत ज़्यादा टूटते हैं आपके लेंथ से हेयर। तो आप जब हेयर ऑयल करेंगे, श्योर का जो हमारा ये हेयर ऑयल है इसे आपको जो अपने लेंथ पे है नहीं लगाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है जो बहुत ज़्यादा ऑयली जो तेल होते हैं ना हमारे, जैसे कि आपने पहले जो भी ऑयल आप लगाते होंगे, जैसे कि नारियल तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, इस तरह के जो तेल होते हैं, तो उस तरह के तेल को आपको यहाँ पे लेंथ पे लगाना। तो अगर आप इस ऑयल को अगर लेंथ पे आप लगाते हैं तो क्या होगा, शैम्पू के टाइम ये जैसे कि आप जानते हैं कि नॉनस्टिक ऑयल है, ज़्यादा ऑयली नहीं है, आपके बालों को बिल्कुल लाइट सा रखता है, मतलब कि चिपचिपा नहीं लगता। तो जब आप शैम्पू करेंगे तो बाल आपके ड्राई हो जाएंगे। तो सरसों का ऑयल हो गया वो यूज़ कर लीजिए, या नारियल का ऑयल हो गया, यानी कि जो भी जो ऑयल आप यूज़ करते थे पहले, उस तरह का आपको लेंथ में यूज़ करना है। अगर आपके बाल ड्राई है, आपके बाल रफ है, तभी इस तरह की छोटी छोटी बातों को ध्यान पे रख के और सही तरीके से हेयर ऑयलिंग करके आप इस ऑयल से ज़रूर बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से, हमारी सही तरीके से हमें हेयर ऑयल को, शैम्पू को यूज़ नहीं करने की वजह से भी हमारी हेयर फॉल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभी तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।